सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और बहुत दिनों बाद मैं आज वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, यानी कि आज वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो वीडियो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब इस वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल मैंने दो चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डाले थे, यानी कि वीडियो बनाकर मैंने अपलोड किया था। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि सर आप इसका सीरीज बना दीजिएगा, ठीक है, यानी कि सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप हमें दे दीजिएगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है, आप लोगों का प्यार आता है, या फिर आपको पसंद आता है, अगर आप कमेंट करते हैं, तो मैं पूरा चैप्टर का यानी कि पूरा बुक का जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए बिग टाइम गवाए बिना शुरू करते हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सो पहला क्वेश्चन यहां पर बनता है, ठीक है, मेंशन टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी कि आपको दो फैक्टर्स को मेंशन करनी है जो इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। स्पेशली यहां पर मेंशन किया गया इंडिया के क्लाइमेट को। सो टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया आर फर्स्ट वन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड सेकेंड ग्रेट हिमालयन रेंज, यानी कि इंडिया का लोकेशन, ठीक है, कहने का मतलब क्योंकि इंडिया का बीचों बीच से छाती से होती हुई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक रीजन है और दूसरा है ग्रेट हिमालय रेंज, यानी कि जो हमारा नॉर्दर्न हिमालय है, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है हिमालय। ये दो फैक्टर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, वेयर डज दिस एक्सपीरियंस, ओके। यानी कि द कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट मीन्स वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। अब बात आती है कि इस तरह का क्लाइमेट इंडिया में कहां पर होती है। सो दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस इन नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाली रीजन, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ वाली जो इंडिया की रीजन है, वो सारे रीजन में कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री की, व्हाई डू द प्लेसेस साउथ टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाली पार्ट, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ की ओर, यानी कि हम कह सकते हैं पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया जो कि साउथ की ओर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, सो उस रीजन में थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर हाई क्यों रहती है, यानी कि वहां पर विंटर में भी क्या होती है, टेम्परेचर ज्यादा रहती है, ठीक है। तो इसका क्या कारण है, सो आंसर देख लेते हैं। बींग नियर टू द इक्वेटर द प्लेसेस साउथ टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। कारण क्या है, क्योंकि वो जो रीजन जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ की ओर है, वो इक्वेटर के आसपास है। अब आपको पता है इक्वेटोरियल रीजन जो है एक ऐसा रीजन है जहां पर थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर हाई रहती है, इसीलिए इन रीजन में यानी कि इन जगहों में टेम्परेचर हाई रहती है थ्रू आउट द ईयर। सो आंसर फिर से मैं बता दूं, बींग नियर टू द इक्वेटर द प्लेसेस साउथ टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाई डज द प्लेसेस लाइक गोवा मुंबई एक्सपीरियंस इक्वेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, दीज प्लेसेस आर सिचुएटेड ऑन वास्ट वेस्टर्न कोस्ट लाइन एंड दे एक्सपीरियंस इक्वेबल क्लाइमेट, ओके, इक्वेबल क्लाइमेट दैट इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड ड्यू टू द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी। यानी कि ये सारे जगह है, ठीक है, ये कहां पर है, सागर के किनारे है, ठीक है, और सागर क्या करती है, वहां की जो टेम्परेचर उसको मॉडरेट करती है, इसीलिए इन रीजनों में यानी कि इन जगहों में जैसे कि गोवा मुंबई, यहां पर इक्वल टाइप ऑफ क्लाइमेट रहती है, यानी कि टेम्परेचर ना ही ज्यादा है और ना ही कम है, और टेम्परेचर के बीच में जो रेंज है ना, रेंज ऑफ द टेम्परेचर भी क्या रहता है, लो रहता है, 3 से 5 सेंटीमीटर के बीच में ही रहता है रेंज, ठीक है। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव को। क्वेश्चन नंबर फाइव है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज अनइवन, यानी कि इंडिया का जो रेनफॉल है वो अनइवन है, एक्सप्लेन, उसे आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मतलब क्या है कि इंडिया का जो रेनफॉल है ना वो अनइवन है, कहीं पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है और कहीं पर बिल्कुल नहीं होती, तो उसको आपको बताना है, ठीक है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया इज अनइवन एज वी हैव प्लेसेस लाइक मौसिनराम वेयर एनुअल रेनफॉल इज अबाउट 1187 सेंटीमीटर एंड प्लेसेस लाइक राजस्थान वेयर एन एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यह है कि इंडिया में ऐसा भी जगह है जहां पर बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होती है, इंडिट हाईएस्ट रेनफॉल ऑफ द वर्ल्ड मौसिनराम, जहां पर 1187 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है एनुअली,
और वहीं पर इंडिया में ही एक ऐसा जगह भी है जहां पर रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, और वो कौन सा है? राजस्थान है. ओके, सो ड्यू टू विच मेनी प्लेसेस इन इंडिया एक्सपीरियंस फ्लड एंड एट द सेम टाइम मेनी एक्सपीरियंस ड्रॉट. तो क्योंकि इंडिया का जो रेनफॉल है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, तो एक ही समय में इंडिया का किसी जगह पर बहुत भारी वर्षा हो रही होती है, फ्लड हो रही होती है, और कहीं पर सूखा पड़ रहा होता है. ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमारा एंड.